और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, चीन और रूस एक साथ युद्ध के मैदान में कूदेंगे। इसके लिए बकायदा दोनों देश सेना जो है वो युद्ध अभ्यास कर रही है। जल्द ही रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात भी होगी। दावा दरअसल ये किया जा रहा है कि दोनों देश मिलकर जापान को टारगेट कर सकते हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं, उज्बेकिस्तान में शी जिनपिंग से मुलाकात होगी। ये पुतिन की तरफ से कहा गया, शी जिनपिंग और पुतिन के टारगेट पर अब फिलहाल जापान है। रूस और चीन एक साथ युद्ध के मैदान में आएंगे। तो उज्बेकिस्तान में मुलाकात होगी शी जिनपिंग के साथ, ये पुतिन की तरफ से बताया गया, और शी पुतिन के टारगेट पर अब जापान है। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। महायुद्ध का पहला मोर्चा यूक्रेन। दूसरा मोर्चा बनने को तैयार ताइवान। महायुद्ध का तीसरा मोर्चा कौन बनेगा? जवाब है, एक ऐसा देश जिस पर डबल अटैक होने की आशंका है। युद्ध का प्लान तैयार है, हथियार भी चुन लिए गए हैं, युद्ध की तैयारी भी हो चुकी है, बस हमले का वक्त तय होना बाकी है। ये ऐसा युद्ध होगा जो मिनी वर्ल्ड वॉर जैसा होगा, क्योंकि इस महायुद्ध में हमला तो सिर्फ एक देश पर होगा, लेकिन हमलावर दो देश हो सकते हैं। ये ऐसा युद्ध होगा जैसा पहले कभी नहीं हुआ। जो बैटल ग्राउंड बनने वाला है वो यूक्रेन से 8,100 किलोमीटर दूर और ताइवान से 2,200 किलोमीटर दूर है। ये युद्ध कब और कहां होने वाला है, इसकी जानकारी दो ताकतवर लोगों को है। पहले शख्स हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, दूसरे शख्स हैं चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। पुतिन यूक्रेन के साथ युद्ध कर रहे हैं, शी ताइवान को अपने नक्शे में मिलाने के लिए बड़ी जंग की तैयारी कर चुके हैं। ताइवान पर प्रहार के लिए चीन रोज नए नए हथियारों की नुमाइश कर रहा है। ताइवान को डराने के लिए चीन ने स्विचेबल सुसाइड ड्रोन का एक्शन रिलीज किया है। इस वीडियो को चीन के ग्लोबल टाइम्स ने जारी किया है। इस वीडियो में स्विचेबल सुसाइड ड्रोन एक टैंक को निशाना लगाते दिख रहे हैं। स्विचेबल सुसाइड ड्रोन यूक्रेन जंग में भी दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर खींच चुका है, लेकिन अब आशंका इस ड्रोन का किसी तीसरे देश के खिलाफ युद्ध में होने की है। दावा किया जा रहा है कि शी जिनपिंग और पुतिन अब एक साथ मिलकर किसी तीसरे देश पर हमला कर सकते हैं। इसके लिए रूस और चीन की सेना साथ मिलकर युद्ध का अभ्यास भी कर चुकी है। तो टीआरपी की रेस में न्यूज 18 इंडिया की बादशाहत लगातार कायम है।